सुप्रभात सभी को, नमस्कार सभी का स्वागत भारतीय योग संस्थान वेस्ट एनक्लेव जिला से चलाई जा रही सुंदर लाइव योग कक्षा में। बड़े हर्ष का विषय, आज हमारे साथ पुनः एक बार श्रीमान सुशील लालमिया जी, हमारे क्षेत्रीय प्रधान। बहुत ही बढ़िया डेडिकेशन, बहुत सुंदर साधना, तो आज हमें पुनः इनका आशीर्वाद मिलेगा। शुरुआत करते हैं सूक्ष्म क्रियाओं से। सर्वप्रथम दोनों पांव सामने, दोनों हाथ पीछे रखें, अधिक से अधिक पंजों को आगे पीछे करें। इस प्रयास में घुटने बिल्कुल भी ना उठने दें, रीढ़ गर्दन यथासंभव सीधी रखें, चेहरे पर प्रसन्नता, सामान्य श्वास। गोलाकार घुमाएंगे दोनों पंजों को एक साथ, विपरीत दिशा से घुमाएंगे दोनों पंजे एक साथ, बटरफ्लाई के लिए दोनों एड़ियां निकट लेकर आएंगे और दोनों घुटने ऊपर नीचे करना प्रारंभ करेंगे। रीढ़ को, गर्दन को सीधा रखकर, आंखें कोमलता से बंद करिए जी, करिए। जो साधक बाद में जुड़ रहे हैं, बिना एक पल गंवाएं जल्दी से सुंदर साधना का अभ्यास करें। मुस्कुराते रहें, प्रसन्न रहें, ठंडी ठंडी हवा का आनंद लें। धीरे धीरे आएंगे वापस, पांव को सीधा करें, हल्का विश्राम लें, सामान्य श्वास। दोनों पांव को एक बार अंदर करें, एक बार लेफ्ट पांव, एक बार राइट पांव करिए जी। दोनों हाथों का सहारा ले लें, घुटने की बढ़िया बढ़िया एक्सरसाइज होती है, करिए जी करिए। दोनों पांव एक साथ करिए, क्षमता से अधिक ना करें, प्रयास जरूर करें, खुश होकर करें। आएंगे वापस, पांव सीधे, पुनः एड़ी पंजे मिला लीजिए, पद्मासन लगाने जा रहे हैं। पहले राइट लेग को मोड़िए, फिर लेफ्ट लेग को मोड़िए, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में लेकर रीढ़ को, गर्दन को सीधा कीजिए। आइए शरीर में थोड़ी गर्मी लेकर आते हैं, दोनों हाथ ऊपर लेकर जाएं, पांच उंगलियां खोलें और झटके से नीचे लेकर आएं, कोहनी पीछे लेकर जाएं। करते जाएं, कोई हैंकी, कोई रुमाल, कोई छोटा टॉवल जरूर अपने पास रखें, जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल करें। करते जाएं, शरीर में गर्मी आती है, पूरा शरीर खुलता है, फेफड़ों पर, श्वसन प्रणाली पर विशेष प्रभाव आता है। वापिस हाथ नीचे, रिलैक्स, श्वास को बिल्कुल सामान्य होने का इंतजार करें, बिल्कुल सामान्य हो जाएं, आंखें बंद हैं, बंद ही रहे, चेहरे पर प्रसन्नता है, लगातार प्रसन्नता बनी रहे। हवा में थोड़ी ठंडक है, जो साधक छत पर कर रहे हैं, बालकनी में कर रहे हैं, अच्छी बात है, करना चाहिए ओपन में, लेकिन साथ में
फुल बाजू के कपड़े पहनकर ही करें, कोई शॉल वगैरह भी रखें, जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल करें। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में लेकर रीढ़ गर्दन को सीधा कर लीजिए, आँखें कोमलता से बंद ही हैं। अब श्वासों को गहराएं, धीरे धीरे श्वास को छोड़ना और धीरे धीरे श्वास को भरना। दोनों ही अवस्थाओं में कुछ पल ठहरना, मन हमारा शांत होने लगता है, एकाग्र होने लगता है, योग के प्रति स्वतः ही रुचि उत्पन्न होने लगती है। अपने भाग्य को सराहें, अपने माता पिता की वंदना करें, गुरुजनों से आशीर्वाद लें। सुबह सवेरे की सुंदर सामूहिक योग साधना केवल और केवल गुरुजनों के प्रताप से, माता पिता के आशीर्वाद से संभव हो पाती है। आइए तीन बार ओम ध्वनि करें, एक बार गायत्री मंत्र। ध्वनि मधुर हो, दो और एक के अनुपात में हो, मन को सुकून देने वाली हो। पूरे परिवार के साथ बोलिए, भरिए श्वास। सवितुर्वारेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे प्राण, पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। मुस्कुराते हुए दोनों पांव बंद आँखों में खोल लीजिए, थोड़ा सा पांव को विश्राम दीजिए, सामान्य श्वास। आसन पर बिना सहारा लिए खड़े हो जाएंगे जी, हल्का सा सामान्य। चलिए जी, शुरुआत करते हैं पीटी की एक्सरसाइज करने से। बिल्कुल सरल है, कोई भी कर सकता है। दोनों पाँव में कंधों के समान दूरी बना लीजिए, दोनों हाथ शरीर के साथ, पांचों उंगलियां मिली हुई। शब्दों पर चलेंगे, दोनों भुजाएं कंधे की सीध में, हथेलियां आमने सामने, ये पहली स्थिति। दूसरी स्थिति आकाश की ओर भुजा कान के साथ। तीसरी स्थिति 180 डिग्री पर, हथेली का रुख पृथ्वी की ओर। चौथी स्थिति शरीर के साथ। अब मेरी आवाज़ से चलेंगे, गिनती से चलेंगे। अगर स्पीड हो तो स्पीड से चलेंगे, स्लो हो तो स्लो चलेंगे। तनाव रहित तो होकर करेंगे, तान कर करेंगे सारी क्रियाएं। पंजे भी ढीले ना पड़े, घुटने भी ढीले ना पड़े। एक, दो, तीन, चार। एक, दो, तीन, चार। एक, दो, तीन, चार। एक,
दो तीन चार, एक 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 दो तीन चार, वापस रिलैक्स। देखिए छोटी सी क्रिया हमने की, डेफिनेटली आपको पूरे शरीर पर इसका प्रभाव आया होगा। और ये ऐसी क्रियाएं हैं जो आप किसी भी समय कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं जितनी देर हमने करवाई उतनी देर ही करनी है। आप आधा मिनट कीजिए, एक मिनट कीजिए, बीच में जब भी ब्रेक लें कोई भी एक सूक्ष्म क्रियाएं आप पकड़ लें, खड़े होने वाली हो, बैठने वाली हो, तो आपको ऐसा महसूस होगा पूरा दिन आप योग से जुड़े हुए हैं, आलस्य नहीं आएगा, हर कार्य में आपको एफिशिएंसी महसूस होगी। ताड़ासन, एड़ी पंजे मिला लीजिए, दोनों हाथ सर के ऊपर रखिए और दोनों भुजाओं को तानते हुए ले चलें ऊपर आकाश की ओर। उंगलियां आपस में क्लैंप हैं, हथेली का रुख आकाश की ओर है। कोशिश कीजिए एड़ियां मेरी उठी रहें, कोशिश कीजिए मेरे पांव के पंजे अंगूठे सहित मिले रहें। शब्दों पर जरूर ध्यान दें, सजग होकर सुने। सामान्य श्वास में रुक जाएं, लेकिन खिंचाव लगातार बना हो। आलस्य दूर हो जाता है, सारी मांसपेशियां सक्रिय हो जाती हैं, बच्चे इसका अभ्यास करते हैं, हाइट बढ़ जाती है। गहरा श्वास भरें और श्वास छोड़ते हुए एड़ियां भी वापस, भुजाएं भी वापस, तानते हुए दोनों भुजाएं बगल से नीचे, विश्राम ले लीजिए, श्वास को सामान्य कीजिए, एकदम रिलैक्स हो जाएं जी। दोनों हाथ रखें घुटनों के ऊपर, थोड़ा सा घुटनों को खोलिए, बंद करिए, पीछे पांव बिल्कुल सीधे, फिर घुटने को मोड़िए, घुटने मिलाकर करिए ये क्रिया, करिए जी करिए, लेकिन क्षमता को ध्यान में रखकर करिए। सुशील जी से प्रेरणा लीजिए, सुशील जी देखिए इतनी बढ़िया साधना इतनी उम्र में आपको करके दिखा रहे हैं, क्योंकि ये माइंड से बिल्कुल जवान है। अगर आप सोचेंगे आप जवान हैं स्वस्थ हैं तो स्वस्थ ही रहेंगे, और अगर आपने सोच लिया कि आपसे नहीं हो सकता, आपकी एज ज़्यादा हो गई, तो वैसे ही आप महसूस करते हैं, वैसी ही नेगेटिव सोच आपकी बन जाती है। करते जाइए जी, करते जाइए, मन के हारे हार हैं, मन के जीते जीत। वापिस आ जाएं, हल्का विश्राम ले लें, सामान्य श्वास, रिलैक्स। एक कमर की एक्सरसाइज करते हैं, अर्धचक्र आसन, पाँव में सुविधा के हिसाब से फासला या पाँव मिलाएं, दोनों हाथ के अंगूठे रीढ़ पर रखें, चारों उंगलियां नाभि की ओर रखें और अंगूठे से रीढ़ को दबाते हुए कमर से पीछे की ओर झुकें, झुकें जी, गर्दन भी पीछे से पीछे। सामान्य श्वास में रुकें, पेट पर खिंचाव आना चाहिए, घुटने आपके ढीले ना पड़ें, शक्ति अनुसार सामर्थ्य अनुसार रुकें, आंखें लगातार बंद रहे। बहुत बढ़िया जी, सुशील जी बहुत ही अच्छा प्रयास कर रहे हैं आप, सुशील डालमिया जी,
हमारे जिले में तीन क्षेत्र बने हुए हैं, एक क्षेत्र को डायरेक्शन दे रहे हैं। धीरे धीरे आएंगे वापस। श्वास को सामान्य कर लें, आंखें बंद, हाथ नीचे। आइए जी, सूर्य नमस्कार का अभ्यास करते हैं। आसन के अगले हिस्से पर आ जाइए, एड़ियों को मिला लीजिए, दोनों पांव खोल दीजिए, पंजे खोल दीजिए और शरीर के साथ दोनों हथेलियां। क्षमता से ज़्यादा नहीं करेंगे, आँख बंद करके करेंगे, मुस्कुराते हुए करेंगे। समझ में न आए जरूर देखेंगे। पहली स्थिति में आ जाएं, प्रणाम मुद्रा। होठों पर मन मन मुस्कान है, ध्यान अज्ञा चक्कर पर है। बहुत प्यारे मौसम का आनंद लेते हुए आइए भगवान सूर्य की आराधना करें। ॐ भास्कराय नमः। श्वास भरते हुए ले चलें भुजाओं को आकाश की ओर, खींचे ऊपर की ओर। अंगूठा उंगलियों के साथ, कलाई सीधी, और अधिक से अधिक डायरेक्शन दीजिए, खींचे ऊपर। देखिए, करने से ही होगा, ना देखने से होगा ना सुनने से होगा। करिए जी, करिए, खींचिए। पूरा शरीर हमारा प्रभाव में, 72,000 में मांसपेशियां प्रभाव में। एक बार गहरा लंबा श्वास लीजिए और श्वास छोड़ते हुए कमर से आगे की ओर झुकिए। कमर से झुकना है जी। घुटने सीधे रहें, मणिपुर चक्कर पर ध्यान होना चाहिए। माथा घुटने के निकट जाए, नाभि का संकुचन हो, करें लेकिन क्षमता के हिसाब से। बहुत बढ़िया जी, सुशील जी बहुत ही बढ़िया प्रयास करते हैं। सुशील जी, योग इनके रोम रोम में समाया हुआ है। उठते बैठते चलते फिरते हर वक्त योग से जुड़े रहते हैं, योग की बातें करते हैं। दोनों थैलियां आसन पर जमा कर राइट पांव अधिक से अधिक लेकर जाएं। कमर नीचे की ओर, गर्दन पीछे की ओर, माथा आकाश की ओर। वेरी गुड जी, बहुत बढ़िया। स्वाधिष्ठान चक्र पर ध्यान हो, होठों पर मुस्कान हो। ले चलें दूसरी टांग भी पीछे। एड़िया आसन पर, ठुड्डी कंठकूप में, घुटने मिले हुए, पांव के अंगूठे मिले हुए, ठुड्डी कंठकूप में। हाथ के उंगली अंगूठे चेक कीजिए। सभी साधक साधिकाएं प्लीज चेक करें अपने हाथ के अंगूठे उंगली। कुछ साधक पाएंगे कि उनकी उंगली अंगूठे खुले हुए थे। अब ये छोटी सी बात आपने ध्यान रखनी है, पांच उंगलियां मिली होंगी, पांच तत्व हमारा शरीर जिससे बना, सबका संतुलन बढ़िया रहेगा। पैरेलल आ जाएं, सहज भाव से शरीर एक लाइन में, सर से लेकर एड़ी तक। सामान्य श्वास में रुकना, अपने कंधों में मजबूती महसूस करना, मन से ईश्वर का धन्यवाद करना। व्यक्तिगत साधना में इस पोस्चर में रुकने का समय बढ़ाएं। अष्टांग प्रणाम के लिए पहले घुटने, वक्षस्थल, अंत में फोरहेड।
पाँव मत खोलिए जी, पीछे से कोई भी साधक साधिका पाँव मत खोलिए, पंजों को खड़ा रखिए। फायदा रुकने से ही होगा। अनाहत चक्कर पर ध्यान, हथेलियों पर दबाव बनाएं, आगे से धड़ को उठा दें, उठाएं जी। गर्दन को पीछे की ओर कीजिए जितना संभव हो सके। मूलाधार चक्कर पर ध्यान हो। सातवीं स्थिति है, जो चाहते हैं कमर उनकी हमेशा लचीली रहे, स्वस्थ रहे, तो इसकी पूर्ण स्थिति आपको बनानी होगी। इस वक्त थाई आसन पर लगी हो, माथा आकाश की ओर हो जाए, कोहनियाँ पूरी तरह खुली हों, चेहरे पर प्रसन्नता हो। अगर चेहरे पर तनाव आ गया तो आप क्रिया कीजिए ना कीजिए, मुझे नहीं लगता कि उसको फायदा होगा। खुश होकर करें, उस प्रभु का धन्यवाद करते हुए करें। श्वास भरते हुए पीछे से भी धड़ को उठाएं। ठुड्डी कंठकूप में है, रीढ़। अब देखिए, अभी हमने रीढ़ को मोड़ा और अब देखिए विपरीत दिशा में रीढ़ मुड़ रही है। सूर्य नमस्कार इतना शानदार हमारे ऋषि मुनियों की देन है। इस हिसाब से शरीर का 12 स्थितियां होती हैं कि कोई अंग अछूता नहीं बचता जो प्रभाव में ना आए। क्रैम्प्स की प्रॉब्लम दूर है इस वक्त एड़ियां आसन पर लगने से। थायराइड में लाभ मिल रहा है ठुड्डी कंठकूप में लगने से। कंधों में मजबूती आ रही है कोहनियां सीधी होने से। सहस्रार चक्कर पर ध्यान, राइट लेग को आगे लेकर आइए, कमर नीचे की ओर, गर्दन पीछे की ओर। पूरी हथेली आसन पर लगानी है जी। कुछ साधक पता होने के बाद सजग भी हैं, फिर भी आधी हथेली में सोचते हैं कि काम चल जाएगा। मुट्ठी नहीं बनानी जी, सही तरीके से करने की कोशिश जरूर कीजिए। हो सकता है ना हो, लेकिन जितना संभव हो सके कोशिश कीजिए। एक बार आपको गलत करने की आदत लग गई, एक बार आपको लगा कि गलत यही वाली स्थिति, गलत को ही आपने सही मान लिया, तो जीवन में फिर वो गलती चलती रहेगी। दूसरी टांग भी आगे, अब घुटने सीधे हैं। कुछ साधक खुश हो जाते हैं कि मेरी उंगली आसन से लग गई और हल्का सा घुटना मोड़ देते हैं। उस उंगली को आसन पर टच करने का लाभ नहीं है, वो गलती फिर जीवन पर्यंत चलती रहेगी। हाथ या उंगली लगाना इतना महत्वपूर्ण नहीं, पहला जो महत्वपूर्ण कार्य है वो है घुटने को सीधा रखना। घुटने को पीछा पीछे धक्का देते रहना, थाई को टाइट करके रखना, फिर उसके बाद पेट को संकुचित कीजिए, अंदर सिकोड़िए, फिर कमर को थोड़ा और झुकाइए, कोशिश कीजिए। बस इतना प्रयास कीजिए, फिर आपकी उंगली लगे ना लगे। लेकिन मैं व्यक्तिगत अनुभव से, विश्वास से कह सकता हूं कि डेफिनेटली आपकी हथेली आसन पर एक दिन जरूर लगेगी, अगर आपने इसी डायरेक्शन में काम किया तो। श्वास भरते हुए धीरे धीरे कमर को सीधा कीजिए। तानिए ऊपर से ऊपर, खींचिए पीछे की ओर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
ढीला मत छोड़िए जी, एक एक सेकंड इम्पोर्टेंट है। श्वास छोड़ते हुए प्रणाम मुद्रा में आ जाएं, मुस्कुराएं, ऊर्जा को महसूस करें, बंद आंखों में आसन पर बैठ जाएं और शवासन में लेट जाएं, बिना आँख खोले। अब लीजिए विश्राम, अब छोड़िए शरीर को ढीला जितना आप छोड़ सकते हैं। बहुत ही प्यारा मौसम है, ना ठंड है ना गर्मी है। ये जो बदलता मौसम है कई बार स्वास्थ्य को बिगाड़ देता है, तो इसमें आपने विशेष ध्यान रखना है। कोई गर्म कपड़ा या हल्की सी जो आपका कुर्ता है या जो टी शर्ट है वो फुल बॉडी होनी चाहिए, ज़्यादा थिन ना हो। अगर आप घर में कर रहे हैं तब फिर भी हवा नहीं लगती, अभी ठीक है, जैसे आप कर रहे हैं चल रहा है, लेकिन जो बाहर कर रहे हैं सुबह की हवा में ठंडक हो गई है, तो ज़रूर अपना ध्यान रखें। चेतन अवस्था में आएंगे, एड़ी पंजे मिलाएंगे, अपने दाहिनी और राइट साइड में करवट लेंगे और उठ करके बैठ जाएंगे। श्वास को सामान्य कर लीजिए, बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए। वक्र आसन का अभ्यास करेंगे, दोनों पांव सीधे हैं, अपने राइट पांव को मोड़कर पंजे को घुटने के समीप जमा दीजिए। अब अपने लेफ्ट हैंड को घुटने के बाहर से लेकर आएंगे और पांव के पंजे के निकट अपनी हथेली को ले जाएंगे, राइट हैंड को पीछे ले जाएंगे, गर्दन को राइट साइड में घुमा देंगे, अपने सीधे पांव के घुटने को पकड़ लें अथवा अपनी हथेली को आसन पर लगाने की कोशिश करें पंजे के साथ, जैसा आपसे संभव हो कोशिश कीजिए। गर्दन आपकी राइट साइड में घूमेगी, देखिए बहुत बढ़िया जी। सुशील जी, पंजा जो पांव सीधा है उसका तना हुआ, इसका नाम है वक्र आसन। मधुमेह के रोगियों के लिए बहुत बढ़िया है। अब आप महसूस करेंगे थाई से हमारा पेड़ू भाग दब रहा है। सामान्य श्वास में रुके रहें, मुस्कुराते रहें सुशील जी की भांति। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया प्रयास है। धीरे धीरे आ जाएंगे मध्य में वापस, हाथ भी अपनी सुविधा के हिसाब से पांव को सीधा कर लें, रिलैक्स। अब इसी आसन को हम दूसरी साइड से करेंगे। स्थिति लें, लेफ्ट पांव को मोड़िए, अब की बार राइट हैंड
बाहर की ओर से आएगा, घुटने के बाहर की ओर से लेफ्ट हैंड पीछे सहारा ले लें और पुनः अपने सीधे पांव के घुटने को पकड़ें, अथवा अगर संभव हो सके इससे भी आगे की स्थिति है कि आपकी हथेली जो है वो पंजे के साथ में आसन पर टिक जाए। लेकिन करें क्षमता के हिसाब से, जितना हो सके संभव करें, गलत ना करें। गर्दन भी आपकी लेफ्ट साइड में सुविधा के हिसाब से टर्न हो जाएगी। बहुत बढ़िया जी, आप महसूस करेंगे सुशील जी के चेहरे पर बिल्कुल सहजता है। आसन के दौरान जितनी सहजता रहेगी हमारे चेहरे पर, उतना अधिक लाभ हमें मिलना है। किसी भी आसन में तनाव ना लाएं, प्रसन्न रहें। आप हजारों में से कुछ साधक हैं, 1% से भी कम की संख्या होगी आपकी जो सुबह सवेरे सामूहिक योगाभ्यास कर रहे हैं। तो जब आप इतने विशेष व्यक्ति हैं, जब ईश्वर की इतनी विशेष कृपा, तो क्यों ना चेहरे पर लगातार प्रसन्नता रहे, अपने आप के ऊपर गर्व महसूस करें। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस, पांव को सीधा कर दीजिए, रिलैक्स। दोनों हाथ राइट साइड में रखकर एक साथ दोनों पांव को लेफ्ट साइड से घुमाइए और वज्रासन में आ जाइए। बिल्कुल सामान्य वज्रासन में जो साधक नहीं बैठ पाए, वो पीछे एक हल्का सा कोई पतला कोई टॉवल ले सकते हैं। कोई बिल्कुल पतला अगर कोई तकिया हो वो ले सकते हैं, और अपने हिप्स और एड़ियों के मध्य में, पिंडलियों के मध्य में रख सकते हैं। तो इनिशियली आपको थोड़ा सा सहारा मिल जाएगा, वज्रासन में बैठने में आपको मदद मिल जाएगी। और जैसे जैसे आपका अभ्यास बढ़ता जाए, उस टॉवल को, उस तकिया को धीरे धीरे हटाने का प्रयास करें। तरीके हैं हर एक आसन को करने के, जहां चाहा वहां रहा। अगर मन बनाएंगे सारे आसन बड़े सुगम हो जाएंगे, सरल हो जाएंगे। मंडूक आसन के लिए दोनों हाथ के अंगूठे अंदर करके मुट्ठी बनाकर नाभि के दाएं बाएं मुट्ठी को स्थित कर लें। गहरा लंबा श्वास भरें, कमर को विस्तार दीजिए और श्वास छोड़ते हुए ठीक नाभि के पीछे कमर से आगे की ओर झुकें। गर्दन को जितना संभव हो सके पीछे की ओर रखें। जहां आपको लगे हिप्स एड़ियों से ऊपर उठने जा रहे हैं वहीं रुक जाएं। सामान्य श्वास, बहुत बढ़िया जी। सुशील जी, इतनी प्रेरणा मिलती है सुशील जी से, इनको देखकर अपने आप फुर्ती आ जाती है। इतनी उम्र में भी हर काम पूरे जोश के साथ, पूरे उत्साह के साथ करते हैं जी, और प्रेरित करने में तो भगवान ने इनको बहुत महारत दी है। वाणी में जैसे इनके जादू है,
कितने साधकों को इन्होंने योग से जोड़ दिया है, जिनके जीवन में परिवर्तन आ गया है, आ रहा है। धीरे धीरे आएंगे वापिस, आराम आराम से वापिस आएंगे, मुस्कुराते हुए वापिस आएंगे। सामान्य श्वास, आंखें बंद, प्रसन्नता चेहरे पर। यहीं से आएंगे पेट के बल शिथिल आसन में, दाई टांग दाई भुजा सीधी, बाई टांग बाई भुजा मुड़ी हुई। सलभ आसन की स्थिति लेंगे, एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हाथ जंघाओं के नीचे, ठुड्डी कंठ ठुड्डी आसन पर, पंजे लेटे हुए, श्वास भरते हुए बिना घुटना मोड़े, बिना ठुड्डी को अपनी जगह से हिलाए, दोनों जंघाओं सहित पांव को ऊपर उठा दें। पंजे को तान कर रुक जाए जी। बहुत बढ़िया जी, सुशील जी, इस एज में आपका इतना बढ़िया आसन, बहुत ही खुशी होती है। मुझे लगता है मेरे से भी इतना बढ़िया आसन नहीं हो पाता। देखिए बिल्कुल जंघाएं पूरी तरह हवा में हैं, पंजे मिले हुए हैं, घुटने मिले हुए हैं, और एकदम स्टैचू की माफिक बिल्कुल सीधा। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। कमर के लिए बहुत ही उत्तम। रुकिए रुकिए रुकिए, रुकने से ही लाभ होगा, बार बार अपने आप को ऐसा संदेश देना है। बहुत क्षमता है हमारे अंदर, इस क्षमता को पहचानिए, और ये मौसम तो बहुत अनुकूल है। धीरे धीरे आएंगे वापस, बड़ी सहजता से आएंगे, सामान्य श्वास में आएंगे, धीरे धीरे वापस आकर शिथिल आसन में आ जाएं, लेफ्ट साइड में एकदम रिलैक्स। अभी हमारी दो क्लासेज और चल रही हैं, एक बच्चों की 6:30 से 7:30, सुशील जी का उसमें विशेष योगदान, शुरुआत ही उसकी सुशील जी की डायरेक्शन में हुई, इनके मन में आई और वो स्टार्ट हुई। बहुत अच्छा बच्चे कर रहे हैं हमारे, दूर दूर से जूम पे जुड़े हुए हैं। और एक क्लास हमारी और भी वेस्ट एनक्लेव की जूम पे ही चल रही है, 6:30 से 7:30, उसमें भी साधक जुड़ते हैं, और दोनों में ही इनका योगदान रहता है। तो अभी समय हो गया है, ये उस क्लास में भी अपना अनुभव, अपनी डायरेक्शन देंगे। तो बहुत बढ़िया से इनका धन्यवाद करते हुए इनको हम विदा करेंगे, और श्रीमान नरेंद्र जी को कहेंगे कि वो आएं, एड़ी पंजे मिला लें, राइट करवट लेकर सुशील जी अपना अनुभव दूसरी क्लासों में दें। और श्रीमान नरेंद्र जी से आशा रिक्वेस्ट करता हूं कि वो आएं, और आ करके आगे का मार्गदर्शन करवाएं। चलिए जी, कमर के बल ही आ जाएं सब लोग, कमर का दोनों हाथ सर के नीचे रखें, पंजे तान दें, घुटने बिल्कुल सीधे। अब दोनों पांव को बगैर घुटना मोड़े धीरे धीरे ऊपर उठाएं, पंजे तानिए जी, आंखें मंद हैं सभी की, बढ़िया। धीरे धीरे दोनों घुटने वापस लेकर आएं, आराम आराम से। पुनः एक बार ऊपर लेकर जाएं, पुनः एक बार धीरे धीरे नीचे लेकर आएं, जो नीचे लेकर आ रहे हैं कोशिश करें एड़ी आसन को ना छुए,
फिर से लेकर जाएं, फिर वापस लेकर आएं, कोशिश कीजिए हवा में रहे, पूरी क्रिया में एड़ियां करिए करिए करिए, बहुत बढ़िया, क्षमता को लेकिन ध्यान में करके, घुटने सीधे रहें तभी रहेंगे जब पंजे तनेंगे, ध्यान नाभि मंडल पर, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया कर रहे हैं। एक अंतिम आवृत्ति करें, लेकर जाएं ऊपर, रुकिए 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 रुकिए, अब की बार रुकिए, पंजे को थानिए, चेहरे पर प्रसन्नता है, खुश होइए कि आपका मोटापा कम हो रहा है, जमा हुआ मल उखड़ रहा है। धीरे धीरे लेकर आए वापस, फूल की तरह एड़ियों को आसन पर स्पर्श दें, रिलैक्स, पांव में सुविधाजनक दूरी, हाथ आगे, पवन मुक्त आसन, एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हाथ शरीर के साथ, राइट पांव के घुटने को मोड़कर हाथों से क्लैंप कर लें, उंगलियों को फंसा लें, पंजे ताने दोनों पांव के, और गहरा श्वास भरें, घुटने से थाई से पेड़ू को दबाएं, जितना दबा सकते हैं और दबाइए जी, नीचे वाले पांव के पंजे को सीधा रखिए, दबाइए भरे हुए श्वास की क्रिया, और श्वास छोड़ते हुए माथा ले चलें घुटने के समीप, लगाइए जी माथा या नासिका, बहुत बढ़िया जी, देखिए जी सुशील जी की नासिका आसन पर टच हो रही है, बहुत बढ़िया कर रहे हैं। अब यहाँ पर सामान्य श्वास में रुकें, दूसरे पांव का पंजा तना हुआ, घुटना दूसरे पांव का दबा हुआ, करिए करिए करिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, मोटापा दूर होगा, गैस संबंधी प्रॉब्लम्स दूर होंगी, वेरी गुड वेरी गुड, श्वास भरते हुए गर्दन कंधे वापस, पांव को श्वास छोड़ते हुए सीधा कर दें, लेफ्ट पांव को मोड़िए, दोनों हाथों से पुनः क्लैंप कीजिए, पंजे तानिए, श्वास भरकर थाई से पेड़ को दबाइए, घुटने से चेस्ट को दबाइए, दबाइए जी और दबाइए, भरे हुए श्वास की क्रिया, और अब श्वास छोड़ते हुए ले जाएं माथा या नासिका अथवा ठुड्डी घुटने के समीप, दोनों घुट कंधे समान ऊंचाई पर हों इस बात का ख्याल करें, टिल्ट नहीं होना जी एक डायरेक्शन में, दूसरे पांव पर ध्यान, सामान्य श्वास में रुकिए रुकिए रुकिए, कुछ साधकों का एक साइड का कंधा उठ रहा है, प्रयास कीजिए दोनों कंधों में ऊंचाई बराबर हो, करिए 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 करिए, अपने राइट साइड वाला में थोड़ा करवट लेंगे तो लेफ्ट वाला कंधा भी ऊंचाई पे आ जाएगा, करिए जी, बहुत बढ़िया बहुत ही अच्छा प्रयास श्रीमान नरेंद्र जी, श्वास भरते हुए गर्दन वापस, श्वास छोड़ते हुए पांव नीचे, रिलैक्स, उन्हें मन मनाएं, दोनों पांव के एड़ी पंजे मिलाकर दोनों पांव इकट्ठे मोड़ें, क्लैंप करें, पंजे ताने बाहर की ओर, पंजे बाहर की ओर ताने जी, सभी साधक गहरा श्वास भरें और घुटने से थाई से पेड़ू को दबाएं, दबाइए जी, करिए करिए दबाइए दबाइए, भरे हुए श्वास में रुकिए,
और अब श्वास छोड़ते हुए माथा ले चलें दोनों घुटनों के मध्य में। करिए करिए करिए, जो चाहते हैं मोटापा कम करना, जो चाहते हैं गैस संबंधी समस्याएं खत्म करना, जो चाहते हैं शरीर का वजन कम करना, वो इसका अभ्यास प्रतिदिन करें, अपनी व्यक्तिगत साधना में जोड़ें। करिए करिए करिए, थोड़ा सा रह गया जी, माथा घुटने से लगने वाला है, कोशिश कीजिए सामान्य श्वास में रुकिए। पंजे तानिए जी, पंजे ढीले छोड़ दिए लोगों ने, करिए जी साधकों ने, पंजे तानिए जी। श्वास भरते हुए गर्दन वापस, श्वास छोड़ते हुए पांव सीधा, रिलैक्स, बहुत बढ़िया। सामान्य श्वास, एक बार जल्दी से मरकट आसन का अभ्यास करते हैं। आज का आखिरी आसन रहेगा, एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों पांव इकट्ठे मोड़ें, दोनों हाथ दाएं बाएं फैलाएं, घुटने मिले हुए, पंजे मिले हुए, बिना रुके 5 बार राइट साइड में लेकर जाएं और 5 बार लेफ्ट साइड में करते जाएं जी, रुकना नहीं है। दोनों घुटने राइट साइड में, गर्दन लेफ्ट साइड में, फिर लेफ्ट साइड में पीक पोजीशन पर पहुंचना है, 1-2 सेकंड रुकना है बस, और इमीडिएटली दूसरी ओर जाना है। गर्दन भी साथ साथ घूमेगी, कोहनियाँ सीधी रहेंगी, करते जाएं जी अपनी क्षमता के हिसाब से 5 बार। जब 5 बार पूरी हो जाएगी, स्वतः ही पांव को सीधा कर लेंगे, दोनों हाथ आगे लेकर शवासन में आ जाएंगे। सात बजे तक हमारी क्लास रहती है, हर फ्राइडे को विशेष एफिशिएंसी क्लास होती है, जिसमें आपकी क्षमता को और ज़्यादा बढ़ाने का प्रयास कराया जाता है। कल फ्राइडे है, विशेष क्लास होगी, हर रविवार को प्राणायाम ध्यान स्पेशल क्लास होती है, जिसमें प्राणायाम ध्यान ज़्यादा देर करवाया जाता है, प्रतिदिन आसन बदल बदल के करवाए जाते हैं, इसलिए आप कभी भी कोशिश कीजिए 1 मिनट भी हमारी साधना ना छूटे, ठीक समय पर हम जुड़ें, स्नान करके जुड़ें, पूरे समय तक जुड़ें। सब आसन में पूरा शरीर हमारा आनंदित है, हर्षित है, इस आनंद को महसूस कीजिए। प्रभु कृपा से हम प्रतिदिन जुड़ेंगे, समय से जुड़ेंगे, ईश्वर का साथ हम पर पूरी तरह बना हुआ है, ईश्वर का आशीर्वाद पूरी तरह बना हुआ है। लगातार मुस्कान होठों पर, मुस्कुराते हुए चेतन अवस्था, एड़ी पंजे मिलाएं, दाहिनी ओर करवट लें, उठ करके बैठ जाएं। मधुर हंसी श्रीमान नरेंद्र जी के साथ, पूरे परिवार के साथ करेंगे।
लीजिए श्वास और मस्ती भरी हंसी प्रारंभ करें। हसिए। अंतिम आवृत्ति। शांत हो जाए जी, बिल्कुल शांत भाव से बैठ जाए, आंखें मंद हैं, मुस्कुराहट ऐसे ही जारी रहे, शरीर में हिलडुल ना हो, रीढ़ गर्दन सीधी रहे, बाकी तीनों उंगलियां जो है हमारी लास्ट वाली सीधी हो, तनी हो, उन उंगलियों का रुख हमारा आसन की ओर हो, आइए धीरे धीरे मौसम में ठंडक होती जा रही है और भस्त्रिका प्राणायाम तो बहुत ही लाभकारी है इस मौसम में, जैसे जैसे ठंड बढ़ेगी और ज़्यादा देर इसका अभ्यास करवाया जाएगा, तो आइए आज फिर से एक बार चारों चरण करते हैं भस्त्रिका प्राणायाम के, क्षमता को ध्यान में रखकर करेंगे, मुस्कुराते हुए करेंगे, शरीर को बिना हिलाए डुलाए करेंगे, दोनों हाथ पलटकर घुटनों पर, पहला चरण दाएं हाथ की प्राणायाम मुद्रा, अंगूठा दाई नासिका पर, अनामिका बाई नासिका पर, पहले चरण में राइट से ही श्वास को भरेंगे, राइट से ही छोड़ेंगे, करीब 20 से 25 आवृत्तियां करने के उपरांत अधिक से अधिक श्वास को भरकर दोनों नासिकाएं बंद करेंगे और जब संभव ना होगा रुकना अंदर श्वास को रोकना तो अनामिका हटाकर लेफ्ट साइड से बिना आवाज किए श्वास को बाहर निकालेंगे। मूल बंध जरूर लगा रहेगा पूरी क्रिया के दौरान, समझ में आ गया आपको तो स्थिति लें, लेकिन चेहरे की आकृति ना बिगड़ने दीजिए। अगर आपको लगे जबरदस्ती कर रहे हैं, कोई दास सामने से देखे उसको लगे कि आप तो बहुत ही तनाव में हो, आपके चेहरे की तो आकृति बिगड़ी हुई है, तो ऐसा मत कीजिए, शक्ति कम लगाएंगे। स्थिति लेकर प्रारंभ करें, दाई नासिका से छोड़ना और बंद लेना, एक ही बार में श्वास को भर लीजिए अधिकाधिक, दोनों नासिकाएं बंद, मूल बंद लगा हुआ है, रुकना संभव लगे लेफ्ट साइड से श्वास को धीरे धीरे बाहर कीजिए। हाथ वापिस घुटने पर बिना हिले डुले, शरीर में आई हुई विशेष ऊर्जा को, शक्ति को महसूस करें, सामान्य श्वास। पुनः मन मनाएंगे दूसरे चरण के लिए, सब कुछ सेम रहेगा अब की बार, लेकिन लेफ्ट से भरना, लेफ्ट से ही छोड़ना। स्थिति लेकर मूल बंद लगाकर प्रारंभ करें,
अधिकाधिक श्वास भर लीजिए, नासिकाएं बंद कर लीजिए। ना रुका जाए, राइट साइड से श्वास को धीरे धीरे बाहर कीजिए बिना आवाज किए। सामान्य श्वास। लगातार प्रसन्नता है जी, बहुत बढ़िया, ये लाभ देने वाली क्रिया है। आपने आसन अच्छे किए उसके बाद ही प्राणायाम करने का पूर्ण लाभ मिलता है। शरीर में स्थिरता, पद्मासन, रीढ़ गर्दन सीधी। तीसरे चरण के लिए पुनः एक बार मन मनाएं। दाएं हाथ की प्राणायाम मुद्रा, राइट से भरेंगे लेफ्ट से छोड़ेंगे, लेफ्ट से भरेंगे राइट से छोड़ेंगे। भरने में शक्ति, छोड़ने में शक्ति, मूल बंद लगाकर करेंगे। प्रारंभ करें राइट साइड से। लेफ्ट साइड से श्वास छोड़ते हुए आवृत्ति को विराम देंगे। हाथ नीचे, सामान्य श्वास, बिल्कुल सामान्य हो जाए। जिनको श्वास लेने में दिक्कत लगे, ज़्यादा थकान महसूस हो, वो बीच में वापस आएं या केवल गहरे लंबे श्वास करें। और ज़्यादा थकान लगे, लेट जाएं, लेट कर गहरे लंबे श्वास करें अथवा सब आसन करें। विशेष परिवर्तन को देखिए, मुस्कुराते हुए देखिए, ईश्वर का धन्यवाद कीजिए। आइए इसका अंतिम चरण, दोनों हाथ अब की बार घुटने पर ही रहेंगे। ये अंतिम चरण हम कई महीने से लगातार करा रहे हैं, करेंगे इसको क्षमता को ध्यान में रखकर, मूल बंद लगाकर करेंगे। दोनों नासिकाओं से श्वास भरना, दोनों से ही छोड़ना। प्रारंभ करें। भरने में भी शक्ति, छोड़ने में भी शक्ति। मूल बंद लगाकर करें जी, मूल बंद अवश्य लगाइए।
अधिकाधिक श्वास को भर लीजिए, आंतरिक कुंभक में रुक जाइए। अभी भी मूलबंध लगा हुआ हो, रोकिए श्वास को अंदर जितनी देर रोक सकें। जब ना रुका जाए धीरे धीरे श्वास को बाहर कीजिए और फिर बाह्य कुंभक में रुकिए, बाहर श्वास को रोककर पुनः मूलबंध। अंत में मूलबंध खोलते हुए सामान्य श्वास, आंखें नहीं खोलनी, विशेष प्रभाव के साथ जुड़े। अगर आप अपनी साधना जारी रखेंगे, प्रतिदिन करेंगे, इस मौसम में अक्टूबर महीने में जिनकी साधना लगातार होगी, बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ, सर्दियों में भी उनकी साधना लगातार होगी। इस मौसम में अगर आपने हल्का सा भी आलस्य दिखाया तो फिर फरवरी तक बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए लगातार जुड़िए हमारी सुंदर लाइव कक्षा से, संभव हो तो लाइव से ही जुड़ें, अन्यथा जैसे आपको समय मिले 7 बजे 8 बजे 9 बजे उस वक्त आप जुड़ें। आइए एक प्राणायाम और करते हैं, बहुत बढ़िया प्राणायाम है, बाह्य आक्षेपी प्राणायाम। दोनों हाथ घुटने पर ही रहेंगे, रीढ़ गर्दन सीधी रहेगी। अब इस प्राणायाम में हमने नासिका द्वारा थोड़ा सा श्वास भरना, 1 सेकंड रुकना, फिर थोड़ा भरना, फिर 1 सेकंड रुकना, फिर थोड़ा भरना, 1 सेकंड रुकना, ऐसा 4 या 5 बार किस्तों में श्वास को भरिए। और फिर इसी प्रकार पहले श्वास को अंदर रोकिए, फिर इसी प्रकार श्वास को धीरे धीरे बाहर छोड़िए किस्तों में ही। नॉर्मल हम जैसे नेचुरल श्वास भरते हैं, वो हम लगातार श्वास भरा फिर छोड़ा, इसमें आपने थोड़ा सा अंतर हमने कर दिया, हल्के हल्के हमने बीच में पड़ाव डालने हैं बस। शरीर में हिलडुल ना हो, श्वास की आवाज ना आए, बहुत ही फायदेमंद प्राणायाम। मन की चंचलता को कम करता है, मन के ऊपर नियंत्रण लेकर आता है, डिसीजन लेने में बहुत मदद करता है। इम्यूनिटी को बढ़ाता है। करिए जी करिए, होठों पर लगातार मुस्कान हो, बहुत सहज प्राणायाम है, कोई मुश्किल प्राणायाम नहीं है। अगर आप 5 किस्तों में नहीं भर सकते, 4 किस्तों में भरिए, 4 में नहीं भर सकते, 3 किस्तों में भरिए।
आवृत्ति को पूरा करते हुए श्वास को छोड़ते हुए आएंगे वापस सुंदर अनुभूति। सामान्य श्वास प्रभु का ध्यान करेंगे, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में अथवा ब्रह्मांजलि मुद्रा में अपनी सुविधा के हिसाब से बैठिए। लगातार कोशिश कीजिए रीढ़ गर्दन हमारी सीधी रहे। बिल्कुल सहज होकर प्रभु का नाम लेंगे, दिल से पूरे भाव से तड़प से प्रभु को पुकारेंगे। केवल 10 मिनट प्रभु का ध्यान करें, समय पर क्लास को विराम दिया जाएगा। भरें श्वास,
शांत शांत भाव से बैठ, प्रभु के इस सुंदर नाम के साथ जुड़े रहें। इस नाम के प्रभाव को महसूस करें, विशेष सुकून, विशेष आनंद पूरे शरीर में, हर श्वास पर श्वास में प्रभु की अनुभूति, प्रभु का साथ, प्रभु का आशीर्वाद। बिल्कुल दीन होकर प्रभु को पुकारें, प्रभु आपके सिवा कोई नहीं, खूब अच्छे से समझ लिया, खूब हमने प्रयास करके देख लिया, जितना ज़्यादा हम भौतिक वस्तुओं के साथ जुड़ते हैं, जितना ज़्यादा हम धन के लिए, मान के लिए, पद के लिए स्ट्रगल करते हैं, उतना ज़्यादा ही हम दुखी होते हैं। शांति प्रभु आपके साथ में ही है, आनंद प्रभु आपसे जुड़ने में ही है। सुबह का ये एक घंटा जीवन को बदलने वाला प्रभु, जब से योग से जुड़े हैं, लग तभी से रहा है कि जीवन का आनंद तो अब प्रारंभ हुआ। अब तक तो ऐसे ही हम बस एक ऐसी दौड़ में भाग रहे थे जिसकी कोई डायरेक्शन नहीं थी, कोई दिशा नहीं, कोई मंजिल नहीं, बस प्रभु आपके साथ ही जुड़े रहें, आपका आशीर्वाद ही लें, ऐसी कृपा कर दीजिए, ऐसी सद्बुद्धि दीजिए। यही प्रार्थना बार बार करते रहें। प्रभु को हृदय में धारण करें, मुस्कुराते हुए आइए आज की कक्षा को विराम दें। एक लंबी ओम ध्वनि और शांति पाठ के बाद भरिए गहरा लंबा श्वास। अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधया शांति वनस्पतया शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि ॐ शांति शांति शांति। बंद आँखों में कुछ पल ऐसे ही बैठे रहें, जिनके पास समय ज़्यादा हो और थोड़ा ज़्यादा बैठें, प्रभु को हृदय में धारण करते हुए दोनों हाथों का घर्षण कीजिए, विशेष आध्यात्मिक ऊर्जा उत्पन्न होगी और इस ऊर्जा को अपने शरीर पर, मुखमंडल पर धारण करेंगे। मुस्कुराते हुए धीरे से आँखें खोलेंगे। श्रीमान नरेंद्र जी को बहुत बहुत धन्यवाद।
इससे पहले श्रीमान सुशील जी थे हमारे साथ, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। पूरा परिवार योग से जुड़ा रहे, हम भी अपने पूरे परिवार के साथ योग से जुड़े रहें। कल हमने विशेष क्लास की थी, मोना जी का बर्थडे भी था कल, तो उसके लिए मोना जी का मैसेज, सभी को बहुत बहुत आभार आपकी बेस्ट विशेज के लिए। इसी प्रकार आप योग से जुड़े रहें, समय से जुड़े रहें, बच्चों की क्लास में बच्चों को जोड़ने का प्रयास करें, जो जूम में जुड़ना चाहें बड़ों की क्लास में वो जूम में बड़ों की क्लास में भी जुड़ें। कल फिर मिलते हैं विशेष क्लास में, एफिशिएंसी क्लास में, ठीक 6:45। तब तक के लिए अज्ञा, किसी भी त्रुटि के लिए क्षमा। आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।